इंग्लिश वोवल ई आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने वोवल ए किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। बेटे, जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी और जो ये अब डाल रहा हूँ, ये जो वोवल का कंसेप्ट है, यानी जो ये वोवल साउंड्स का जो कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा डेप्थ है। ये छोटे बच्चों के लिए वीडियोस नहीं हैं, जो कि आप कह सकते हो कि नर्सरी के जी, उन बच्चों के लिए नहीं है। ये थोड़ा सा अपर लेवल के बच्चों के लिए है, जैसे कि हम कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कई बार क्या होता है कि हमें प्रनाउंस करना ही नहीं आ रहा है कि किस चीज़ को किस तरह से बोलना है, तो उस चीज़ में ये मदद करेगा, उसकी स्पेल मेकिंग में मदद करेगा। ये चीज़ ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम अपनी स्पेलिंग में ही बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते रहते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम वोवल ई सीखेंगे। कौन सा सीखेंगे? वोवल ई। इसमें हम प्रोनंसिएशन और साथ में उसके रूल, नियम भी सीखेंगे। नमस्कार बच्चों, भारत विकास क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। अगर आप अच्छे से वोवल के कंसेप्ट को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो लाइक ज़रूर कर देना बेटा, ये मोटिवेट करता है मुझे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए, तो लाइक ज़रूर कर देना। स्टार्ट करने से पहले हमें पहले पता करना है कि ई एलिफेंट से हमारी कौन कौन सी साउंड निकलती है। अ, आ, ए, ई, ई, ये वाली हमारी साउंड जो है ई से निकलती है, ध्यान रखिए बेटा। ठीक है, हम एक एक को करेंगे, डेप्थ करेंगे इसकी। ठीक है बेटा, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ई से साउंड निकल रही है अ की। कौन सी? अ, अ की साउंड। एग्जाम्पल बताऊंगा बेटा, सीधा सीधा एग्जाम्पल। हमने लिखा है अर्ली, अर्ली। क्या लिखा है? अर्ली। अर्ली मतलब क्या होता है? अर्ली मतलब समय से पूर्व, जल्दी। ठीक है बेटा, अर्ली मतलब जल्दी, राइट। अब हमने एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, अर्न। देखो, लिखा तो ई है लेकिन अ की आवाज आ रही है, अर्न। अर्न मतलब क्या होता है बेटा? कमाना, अर्निंग करते हैं ना, फादर जॉब पे जाते हैं, अर्न करते हैं, कुछ कमाई करते हैं कि जिससे आप पढ़ सको। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बेटा? अर्थ। अर्थ क्या होता है? अर्थ हमारी पृथ्वी, हमारी भूमि, हमारी धरती, अर्थ, पृथ्वी। Entirely, entirely, entirely क्या होता है? पूरा, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया हमारा? Entirely। ये example थे जब हमने लिखा हुआ तो E है लेकिन आवाज आ रही है E, A, A, A से। ठीक है बेटा, next क्या है? आ। ई से आवाज आएगी आ की। कौन सी आवाज आएगी? आ की। अब देखो बेटा, इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये क्या लिखा है हमने? हमने लिखा है ये आई, आई। आई क्या होते हैं? सबको मालूम है ना, हम बचपन से ही मदर फादर भी पूछते हैं बेटा आईज कहाँ है, आईज है ना, तो वही आंख बोलते हैं इसे। ठीक है बेटा, और क्या है, और एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं इसके? इसके बहुत कम एग्जाम्पल है, बहुत कम जगह यूज होता है ये, तो एक एग्जाम्पल आ सकता है इसका आयरी, आयरी, ई वाई आर आई ई, आयरी। कैसे बोलेंगे इसे? आयरी। आयरी क्या होता है बेटा? शिकारी पक्षी होते हैं ना, जो शिकारी पक्षी, उसके घोंसले को आयरी बोलते हैं, शिकारी पक्षी के घोंसले को आयरी बोलते हैं। ठीक है, करेंगे बेटा ई इक्वल टू ई, 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 छोटी ई, छोटी ई बोलते हैं ना इसको, इमली वाला, ई इमली वाला, राइट। तो क्या है इसके कुछ एग्जांपल करेंगे हम, बी, बिफोर, बिफोर,
बिफोर क्या होता है बेटा? पहले, हमने लिखा पहले, बी ई, बी ई की आवाज आ रही है, देखो बेटा बिफोर, कौन कौन सी आवाज आ रही है? बिफोर, लिखेंगे कैसे? बिफोर, 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 ठीक है बेटा। एक और, हमने नंबर नेम वाली सीरीज की थी, नंबर नेम वाली वीडियो बनाई थी, उसमें देखो इलेवन, इलेवन, यहाँ ई आ रहा है, इलेवन, 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 इलेवन क्या होता है बेटा? वन वन, इलेवन, ग्यारह, ठीक है। आगे कौन सा है? इफेक्ट, इफेक्ट भी इसका एग्जाम्पल है, इफेक्ट, इफेक्ट मतलब किसी पे प्रभाव डालना। अगला और एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा? छोटी ई वाला, नियर, नियर, कौन सा एग्जाम्पल है? नियर, नियर मतलब क्या होता है? पास, नियर मीन्स पास। रियर, रियर, एक और एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? रियर, रियर क्या होता है बेटा? रियर होता है पिछला, जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी का रियर हिस्सा, रियर हिस्सा, रियर हिस्सा मतलब पिछला हिस्सा, पिछला हिस्सा, ठीक है बेटा। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए जो कि हमने ई, ई की आवाज, छोटी ई की आवाज, अब छोटी ई की आवाज मतलब हम मात्रा छोटी ई की लगा रहे हैं ना बेटा, तो यही हमारी छोटी ई की आवाज है। एक फ्रूट भी तो होता है, पियर, पियर, पियर कौन सा फ्रूट होता है बेटा? नाशपाती, है ना, नाशपाती, नाशपाती, ये एग्जाम्पल हो गए। अगला है, अब बड़ी की साउंड आएगी, बड़ी की साउंड कौन सी है बेटा? जब हम लंबी साउंड यूज करेंगे, जैसे बी, बी मींस क्या होता है? होना, ठीक है, लिख दिया इसको ऐसे बी, ठीक है बेटा। अब एक और एग्जांपल देखो, ईयर, ईयर में लंबी साउंड आई है ना बेटा, ईयर में लंबी साउंड आई है, ईयर, ईयर क्या होता है? कान। और बताओ बेटा, और सोचिए, मी, मी, लंबी आवाज आ रही है, मी मीन्स मुझे, मी मीन्स मुझे। शी, शी, यहाँ पर हम शी लिखते हैं, शी किस किसके लिए यूज होता है? शी यूज होता है फीमेल के लिए, फीमेल के लिए, कोई स्त्री के लिए, फीमेल के लिए यूज होता है शी। और क्या है? वी, वी क्या होता है बेटा? हम, हम, वी क्या होता है? हम। और रियल, रियल, रियल क्या होता है बेटा? रियल मतलब वास्तविक, वास्तविक, जिसे हम कहते हैं ओ रियली, ओ रियली, ओ रियली कहते हैं सच में, क्या सच में ऐसा हुआ है, ऐसा बोलते हैं। और क्या है बेटा? मील, मील, मील क्या होता है बेटा? जो हम खाते हैं वो है भोजन, भोजन, भोजन को क्या बोलते हैं? मील। इनमें सब में बड़ी ई की साउंड, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, मील, राइट। एक और एग्जांपल इसका, फील, डबल ई आया बेटा, ध्यान रखना इस बात को, डबल ई मतलब फील, फील मतलब महसूस करना, क्या है? महसूस करना, ठीक है बेटा। आई होप ये सब आपको दिख रहा होगा, विजिबिलिटी क्लियर होगी इसकी। अगला क्या है बेटा? जब हम ई को ए की साउंड से जानते हैं, या जब ई से ए की साउंड निकलती है, जैसे ब ए ग, बेग, बेग क्या होता है बेटा? भीख मांगना, भीख मांगना। ब एड, बेड, बेड क्या होता है बेटा? बेड, बेड होता है बिस्तर, जहां हम सोते हैं। नेक्स्ट क्या बेटा? बेल, बेल, बेल क्या होता है? घंटी, बेल क्या होता है? क्या होता है? घंटी। फेल, फेल क्या होता है बेटा? फेल, फेल होता है गिरा, जो गिर चुका है, ठीक है, पास्ट फॉर्म। अब इसके कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं बेटा, जैसे कि हेड, हेड, एच ई ए डी, हेड, हेड लिखा हमने, हेड क्या होता है? सिर होता है, सिर, ठीक है। मेट, मेट,
मेट क्या होता है बेटा? मिलना, मिला, पास्ट फॉर्म ऑफ मिलना, ठीक है। हेल, हेल, हेल मीन्स नरक, हेल जैसे कहते हैं गो टू हेल, ठीक है बेटा, हेल। अब और बताओ, पेट, पेट क्या होता है बेटा? पालतू जानवर। जब हम किसी भी चीज को घर पे पालते हैं उसको हम पेट बोल देते हैं, क्या है? पालतू, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये सब चीजें समझ आ रही हैं। अब एक अलग साउंड है जिसमें हम यूज कर रहे हैं ई के साथ ए, और वो साउंड इसकी आ रही है बड़ी ई की आवाज। कौन सी साउंड आ रही है? लंबी, लॉन्ग साउंड आ रही है इसके साथ। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, कैसे आ सकती है ये आवाज वो सीखते हैं। जैसे हमने लिखा बीट, देखो ई के साथ ए लगा है, डबल ई नहीं लगा, लेकिन फिर भी आवाज क्या आ रही है? बीट, बीट। जैसे पीटते हैं ना ड्रम, ड्रम बजाते हैं ना, ड्रम को पीट पीट के जो बीट बजती है, राइट। नेक्स्ट है ईट, ईट। देखो बेटा ईट क्या होता है? खाना, हम खाना खाते हैं ना, ईट करते हैं, है ना, राइट। अगला क्या है? फीट, फीट, फीट क्या होता है बेटा? कर्तव्य, फीट होता है कर्तव्य। हीट, हीट तो सबको पता होता है बेटा, गर्मी में जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो हमें गर्मी लगने लगती है, हीट आती है, हीट प्रोड्यूस करती है जमीन भी, ऊपर सर की छत भी, सब कुछ हीट प्रोड्यूस करती है, हीट मतलब गर्मी, ठीक है बेटा। टी, चाय, टी क्या होता है बेटा? चाय, ई के साथ ए लग रहा है और आवाज लंबी साउंड आ रही है, चाय, टी, ठीक है बेटा। सी, सी क्या होता है? सागर, समुद्र, सी क्या होता है? समुद्र, समुद्र, जहां बहुत सारा पानी ही पानी होता है, ठीक है बेटा। अब मैं आपको इसके कुछ अलग साउंड बताऊंगा जिसका भी कुछ अलग से उच्चारण आ सकता है, कहीं ना कहीं आप बुक में उसको देखोगे, राइट। जैसे कि हमने अभी ई ए किया था, ऐसे हम डबल ई करते हैं, क्या करते हैं? डबल ई। उसमें क्या होता है बेटा? लॉन्ग साउंड आती है। कौन सी साउंड आती है? लॉन्ग साउंड आएगी। कौन? फॉर एग्जाम्पल बी, ठीक है, डीप, इस प्रकार से। अब एक और साउंड क्या बताएंगे? ई के साथ आई आ रहा है, पहले हमने वो ई के साथ वोवल ए, फिर वोवल ई, ई के साथ वोवल ई, अब ई के साथ वोवल आई आ रहा है। अब इसमें जब आई आएगा तो हमारी आवाज आएगी आई, ए और बड़ी ई की भी साउंड आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल ई आई जी एच टी, ई के साथ जब आई आया तो एट, एट ये आ गया, ए, ए की आवाज आ गई एट। अब वेट, डब्ल्यू ई आई जी एच टी, वेट, ई के साथ आई ए, व, व ए, वेट, राइट। आइदर, आइदर, आई की आवाज आ गई यहां पे, एक साउंड ए की हो गई, आई की हमारी आइदर आवाज आ गई, ठीक है बेटा। नाइदर, आइदर, ये सब आवाज इससे आ गई। अब रिसीव, रिसीव, अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, रिसीव, अब हमने ई के साथ जब आई लगाया तो ये बेटा ई की, बड़ी की आवाज निकाल रहा है, रिसीव, कोई चीज को लेना, ग्रहण करना, प्राप्त करना, रिसीव करना, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब एक अलग साउंड जब हम ई के साथ ओ वोवल यूज कर रहे हैं, कौन सा? ई के साथ ओ वोवल यूज कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जियोग्राफी, जियोग्राफी, जियोग्राफी एक सब्जेक्ट है जैसे हमारा भूगोल का, राइट। जियोग्राफी, ईओ, ईओ की आवाज आ रही है यहाँ पे, ईओ, ईओ, ईओ की आवाज, जब ई के साथ ओ लगेगा तो ईओ की आवाज आ रही है। जियोमेट्री, जियोमेट्री, ये भी इसका एग्जांपल, ठीक है। अब ई के साथ जब यू आएगा तो यू की साउंड आएगी, जैसे कि यूरोप, यूरोप, यूरोप क्या है? एक
महाद्वीप है, जैसे एशिया है ऐसे यूरोप भी एक महाद्वीप है। ये है सारी चीज़ें जब हमने ई के साथ ए वोवल लगाया, ई के साथ ई वोवल लगाया, ई के साथ आई वोवल लगाया, ई के साथ ओ वोवल लगाया और ई के साथ यू का वोवल लगाया। ये थी साउंड वो वाली, और पहले वाली साउंड मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है। अगर फिर भी उसमें कुछ समझ ना आया हो तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं फिर से इसके बारे में आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।